आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी अपना होममेड सनब्लॉक, जो ना सिर्फ बजट फ्रेंडली है, इजी टू मेक है, बट आपको SPF भी प्रोवाइड करेगा, यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। सो कीप वॉचिंग। बिलीव इन योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गजल एंड यू आर वॉचिंग माई YouTube चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, बहुत खुश होंगे। अच्छा, आज मेरा नया नया सेट आपको नज़र आ रहा है, तो कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा मुझे। अच्छा, आज की जो वीडियो है ना, वो बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि गर्मियाँ आ चुकी हैं और अब हम जब बाहर निकलते हैं घर से बाहर, तो जब सूरज हमें हीट और बहुत सारी एनर्जी और विटामिन डी प्रोवाइड करता है, विटामिन डी बाय द वे बहुत ज़रूरी होता है सूरज में रोशनी में जाना, क्योंकि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हमारी बोन्स बहुत कमज़ोर हो जाती हैं और इनफैक्ट और बीमारियों के साथ हमें डिप्रेशन भी होता है। तो आपने सुना होगा यकीनन कि जिन कंट्रीज़ में सन या सूरज कम निकलता है, वहाँ पर डिप्रेशन भी ज़्यादा होता है, रेशियो डिप्रेशन का। तो हम तो बहुत लकी हैं, हमें इतना सारा सूरज मिला हुआ है, लेकिन साथ साथ अपने स्किन का ख्याल भी रखना है, प्रोटेक्ट करना है अपनी स्किन को, सन ब्लॉक के बगैर बाहर नहीं निकलना है। अब प्रॉब्लम ये है कि सन ब्लॉक जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मिलते हैं, बहुत महंगे भी मिलते हैं। तो आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ऐसा सन ब्लॉक शेयर करूं जो मैं यूज़ करती हूं, मुझे बहुत, मेरे लिए स्किन फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, इजी टू मेक है, बहुत जल्दी बन जाता है, आराम से बन जाता है, और साथ साथ जो है इसके अंदर SPF मौजूद है। यानी कि जी, आज मैं एक स्पेशल चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें SPF भी मौजूद है, यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। तो वो आपको सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनसे भी बचा के रखेगा। तो अब ये कैसे बनेगा, इसके लिए आपको मेरे किचन में चलना पड़ेगा। तो चलिए मेरे किचन में। चलिए जी, मैं अपने किचन में आ चुकी हूँ और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत 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 ही इफ़ेक्टिव होममेड सन ब्लॉक, जो आपको जो सन की जो ख़तरनाक रेज होती हैं उससे भी बहुत हद तक बचाए रखेगा। अच्छा जी, उसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल, जो मार्केट में अवेलेबल होता है, बहुत इजीली, बहुत ही बजट फ्रेंडली है, और इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल जो पत्ते होते हैं वो प्लांट हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी फिर शेल्फ लाइफ ज़्यादा नहीं होती। तो एलोवेरा का जो ट्यूब में जो जेल अवेलेबल होता है मार्केट में, हम वो यूज़ करेंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल के अंदर ख़ुद भी SPF पाया जाता है। ठीक है जी, और इसके अलावा हम यूज़ कर रहे हैं कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल में भी SPF मौजूद होता है कुछ हद तक, लेकिन अगर कोकोनट ऑयल बहुत सारे लोगों को सूट नहीं भी करता, तो फिर आप आमंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट जो इंग्रेडिएंट है, वो है हमारा जिंक ऑक्साइड पाउडर। ये जिंक ऑक्साइड पाउडर वो पाउडर है जो आपको सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं UVA और UVB से बचाता है, और ये हमारी ऑलमोस्ट वो सारी प्रोडक्ट्स जिसमें SPF होता है जो सन से बचाती हैं हमें प्रोडक्ट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, मेकअप की या जैसे फाउंडेशन वगैरह, उन सब में ये मौजूद होता है। तो ये बजट फ्रेंडली तो है, बहुत ही सस्ता होता है, इसके अलावा ये स्किन फ्रेंडली भी होता है। यानी कि जिनकी स्किन जो आम हार्श केमिकल्स वाले सनस्क्रीन या सन ब्लॉक नहीं लगा सकते हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल होता है। मुझे ये बहुत सूट करता है, इसलिए मैं आज अपना सन ब्लॉक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं घर में बनाती हूँ, जो मुझे बहुत इफ़ेक्टिव लगता है। तो और इसके अलावा जो है, इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक करने के लिए हम यूज़ करेंगे बीज वैक्स। बीज वैक्स बहुत ईजीली मिल जाएगा आपको, बहुत सस्ता मिलता है, लेकिन अगर बीज वैक्स आप यूज़ ना करना चाहें तो आप शेयर बटर भी यूज़ कर सकते हैं। और बाय द वे, मेरे वो तमाम साथी, ये सारी चीज़ें मैंने पाकिस्तान से ली हैं, बहुत सस्ती, बहुत ईजीली अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारे साथ उन साथियों के लिए जो पाकिस्तान से बाहर हैं, उन सबके लिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक्स शेयर कर लूँगी, तो उसे आप चेक कर लीजिएगा। अच्छा, और इसके अलावा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ जो एसेंशियल ऑयल होते हैं उनकी फ्रेग्रेंस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स ऑप्शनल, इफ़ यू डोंट वांट टू यूज़ दीज एसेंशियल ऑयल्स, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ कर रही हूँ आज रोज़ का एसेंशियल ऑयल। इसकी बहुत ही रिफ्रेशिंग सी एक फ्रेग्रेंस है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक है जी, तो अब शुरू करते हैं जल्दी जल्दी से अपना सन ब्लॉक, वेरी इफेक्टिव होममेड सन ब्लॉक। ठीक है, तो कैसे बनेगा आइए देखें। तो इसके लिए या तो कोकोनट ऑयल या आमंड ऑयल 1/4 कप, बीज वैक्स या शे बटर 1 टेबलस्पून के करीब ले लीजिएगा। इन दोनों को मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन इतनी आसानी से मिक्स नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको गर्म पानी चाहिए होगा। इसके ऊपर आप इस तरह से कोई प्याला रख लें और उसको अच्छी तरह से मेल्ट होने दें, तो ये बहुत जल्द मेल्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये बीज वैक्स के कुछ रेजिड्यूज होते हैं जिसको हम छान लेते हैं ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। और अब इसको आप अच्छी तरह से फेंटें ताकि ये ठंडा हो जाए और थोड़ा सा थिक भी हो जाए।
अच्छा, इसके अलावा एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अपनी उन साथियों से करना चाहूँगी जो कि होम मेकर्स हैं, जो घरों में चूल्हे पर ज़्यादा उनका टाइम गुजरता है खाना पकाते वक्त, या वो जो जिनको कुकिंग का बहुत शौक है, तो जब आप खाना पका रहे होते हैं तो उस वक्त जो हीट और जो फ्यूम्स होते हैं वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से सूरज की रोशनी में जब हम बाहर जाते हैं तो वो जो रेज हमें डैमेज करती हैं हमारी स्किन को। तो प्लीज़ ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि जब हम खाना पकाते हैं और हम सन ब्लॉक नहीं लगाते हैं या सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते हैं। तो जब भी आप खाना पकाएं ना, उससे पहले सन ब्लॉक या सनस्क्रीन ज़रूर लगा लिया करें। या आज जो मैं बड़ा इफेक्टिव यूज़ शेयर कर रही हूँ आपके साथ, आप ये भी लगा सकते हैं। तो इससे ये होता है कि जो स्किन पर जो झाइयाँ पड़ जाती हैं, जो पैचेस पड़ जाते हैं ना, ब्राउन ब्राउन अक्सर ख़वातीन को यहाँ पर पैचेस होते हैं बहुत सारे, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी होती है कि आप जब खाना पकाती हैं तो उसमें आप उससे पहले सन ब्लॉक या सनस्क्रीन नहीं लगाती हैं। प्लीज़ आइंदा लगाया करें, अपना ख्याल रखें। और इसके अलावा एक और बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, एक मिसकंसेप्शन है कि शायद जब सूरज की रोशनी तपेश होती है तभी सूरज हमें नुकसान पहुंचा सकता है। जब बादल छाए हुए होते हैं, जब क्लाउडी वेदर होता है, तो सूरज हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। तो प्लीज़ ये बहुत बड़ी गलती है। सूरज की रोशनी या सूरज की जो रेज जैसे आप तक क्लाउडी वेदर में भी पहुँचती हैं, तो जब भी आप बाहर निकले घर से तो सन ब्लॉक एंड सनस्क्रीन इज़ मस्ट। ठीक है, और अब ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल अच्छी तरह से, तो मैं इसके अंदर एलोवेरा जेल 1/4 कप ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मुझे मिक्स करना है। और अब मैं एसेंशियल ऑयल के 10-15 ड्रॉप्स डाल रही हूँ जो कि ऑप्शनल हैं, और फिर आप बहुत अच्छे तरीके से इसको फिर दोबारा से मिक्स करें। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसके बगैर हमें SPF नहीं मिल सकता, वो है जिंक ऑक्साइड पाउडर। इसकी मैं 2 टेबल स्पून्स ऐड कर रही हूँ जो कि हमें अराउंड 30 SPF प्रोवाइड करेगा। और 30 SPF बहुत अच्छा कंटेंट होता है SPF का, जो हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट रेज से काफ़ी हद तक बचाता है। और इसको आपको इतनी अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि पाउडर बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो जाए और ये एक फ्लफी सी क्रीम बन जाए। अच्छा, अब मैं इसको एक साफ सुथरे खाली ग्लास के कंटेनर में बंद करके रखूँगी, क्योंकि फिर इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी, ये ख़राब नहीं होगा। और अब ये तैयार हो चुका है बेहतरीन किस्म का होममेड ऐसा सन ब्लॉक जिसमें SPF भी मौजूद है। तो ये ज़बरदस्त सा मेरा होममेड एक ऐसा सन ब्लॉक तैयार हो चुका है जो ना सिर्फ इजी टू मेक है, बजट फ्रेंडली है, बल्कि इसके अंदर SPF मौजूद है यानी सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर। और ये जो है मैं अपने फेस पर, अपने नेक पर, अपने हाथों पैरों सब पर लगाती हूँ ताकि मैं जब बाहर निकलूँ सन में तो मेरी स्किन जो है वो अल्ट्रावायलेट रेज से बची रहे और प्री मेच्योर एजिंग से बची रहे। तो आपको भी ये लगा कर बाहर निकलना है और इसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा लगाने से पहले, अगर आपको सूट करता है तो आप ज़रूर लगाइएगा। अच्छा, और बाय द वे इसको मैंने 1 महीने का मैं बनाती हूँ, 1 महीने तक आप इसको रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पर। अगर आप उसे ज़्यादा बनाकर रखना चाहें तो फिर आप फ्रिज में रखिएगा ताकि वो 3 महीने तक आप फ्रिज में रख सकते हैं इसको। और साथ ही साथ जो है वो हर सनस्क्रीन या हर सन ब्लॉक को 2-3 घंटे के बाद रीअप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ऑयली होती है, तो वो इसके अंदर ऑयल कम डालें और एलोवेरा जेल थोड़ी ज़्यादा डालें। तो इस तरह से सन ब्लॉक के बगैर गर्मियों में बाहर बिल्कुल नहीं जाना है और पानी का इंटेक भी बढ़ाना है ताकि आपकी स्किन भी डिहाइड्रेटेड ना हो। ठीक है, और साथ साथ मुझे कमेंट्स के जरिए ज़रूर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत जल्द मिलूंगी, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नजर आ रहा है उसे क्लिक कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल पर क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा ताकि आप मेरी हर नई वीडियो देख सकें। और जो बॉक्सेस में वीडियोस नजर आ रही हैं इन्हें भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी।